हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। क्यों, आज मीठी नमस्कार का मन नहीं है, कड़वी का मन है? कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वे गुड़ भी पी लेने चाहिए। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस डेली शो में। तो अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होती है 70,258 पर, और फिर वहाँ पर पूरा का पूरा दिन वहीं पर घूमती रहती है और 17,275 का अपना हाई बनाती है। और फिर लास्ट के अगर 40 मिनट, ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट अगर 2:45 बंद हो जाती ना, जो 3:30 बंद होती है, तो वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन लास्ट के 40 मिनट में एक गंदी सी सेलिंग आती है, गंदी क्या, बड़ी ही गंदी सेलिंग आती है, और पूरी की पूरी मार्केट को नीचे की साइड अच्छी खासी लेके जाता है और स्लो बनाता है 16,824 का, और फिर क्लोजिंग देती है 16,958 की। लेकिन अब अगर हम आज के दिन बात करें कि ऐसा हुआ क्यों, तो होना क्या है, एक रशिया यूक्रेन के मैटर के रिलेटेड न्यूज़ आती है, और उसके बाद FIIs का सेलिंग ऑन होता है और मार्केट धड़ाम से नीचे। आज बूम बूम पटाखा हुआ, लेकिन डाउन साइड में। अगर हम आज के दिन FIIs और DIIs की बात करें, तो FIIs लगातार कंटिन्यूसली अब बड़ी बड़ी सेलिंगें करने लगा है, और आज उसने 5,871 करोड़ की सेलिंग करी है, और वहीं पर DIIs ने अप्रोक्स 4,000 करोड़ की बाइंग करी है। अगेन एंड अगेन सेलिंग का फिगर काफ़ी बड़ा है, जो फिर से हमें दिक्कत करेगा। ये अगर अभी भी FIIs की सेलिंग नहीं रुकती तो हमें थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आज के दिन के बाद तो हम वैसे भी मार्केट में सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का नाम है कोल इंडिया, और उसने आज ब्रेकआउट दिया था और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया था, जिसका ब्रेकआउट लेवल होता है 197 का, और वहीं पर जाकर आज इसे इसने क्लोजिंग भी रखती है। अब इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम नोटिस में रख सकते हैं। सर, ब्रेकआउट पर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कहते हो, देखो एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड हो चुका है चेंज, अब हमें थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अब आपको अपने स्टॉप लॉस छोटे करने पड़ेंगे, छोटे का मतलब अगर आप 3% का स्टॉप लॉस लेते हो तो उसको 2% का करो, और टारगेट भी वहां पर छोटे हो जाते हैं, और ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए अब हमें थोड़े ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फिर से। अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात करें तो क्या रह सकता है, देखो आप लोगों को कल भी बताया था कि अब मार्केट में जो कल की कैंडल बनी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका हाई भी और लो भी, दोनों की किस साइड के क्लोजिंग देगा वो हमारे लिए देखने लायक होगा। बट ये एस्पेक्ट मैंने भी नहीं किया था कि मार्केट उसके नीचे की साइड क्लोजिंग देगा, क्योंकि जो लोअर विक बनी थी वो तो यही दिखाती थी, लेकिन आज मार्केट ने उससे भी डबल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर, और ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है जो नए मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और 200 DMA को भी इसने तोड़ा और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दी। लेकिन अब मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, अब इसे एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ जब दिखानी है कल के लिए, या फिर हम इस वीकली एक्सपायरी के लिए बात करें, तो एटलीस्ट हमें 17,050 का लेवल क्रॉस करने का वेट करना चाहिए, और अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो हमारे पास वहां से 200-300 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाती है। और अगर हम मेजर रजिस्टेंस की बात करें तो 17,300 का हमारे पास मेजर रजिस्टेंस रहने वाला है, और अगर हम इस बार स्पोर्ट की बात करें वो तो अब ऐसी स्पोर्ट है कि अब वो स्पोर्ट है डू और डाई, मतलब कि अब उसने आज भी वहां पर स्पोर्ट पकड़ी, वहीं से ही बाउंस भी आया 200 EM में, मतलब 16,800 पर तो हमारे पास अब इम्पोर्टेंट स्पोर्ट रहने वाली है। अगर ये टूटती है फिर तो समझो महातांडव, जो ये आज इसने ट्रेलर दिखाया है इसका फिर बिगुल बज चुका है, और हमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। अब वही चीज़ अगर हम कहें कि वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अब वर्स्ट सिनेरियो जैसे कि लग रहा है कि मार्केट भी शो कर रही है, FIIs भी सेलिंग कर रहे हैं, कि हो सकता है, क्योंकि हमें मार्केट में हर तरफ की प्रोबेबिलिटी लेकर चलनी पड़ती है, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001% ही क्यों ना हो। हमें भी पता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती, न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता, वो अगर फिर भी अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो लेकर चले कि अगर ऐसा हो गया तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और वहीं पर हमने कल भी कुछ स्टॉप लॉस लिए थे, आज भी लिए, तो क्या हो गया भाई साहब, हमने पिछले महीने से इतनी बड़ी रैलीज यूज की है
और वहां पर आपके साथ 6 से 7 मोल के शेयर हो चुके हैं, जिसमें से 5 ने अपने टारगेट हिट किए, 3 ने 20% के ऊपर के टारगेट दिए, एक दो स्मॉल केस अगर अंडर परफॉर्म कर गए और एक एक स्मॉल केस एसएल खा भी गया एक या दो, तो कौन सी बड़ी बात है? हमने रैली तो पूरी जूस कर ली ना। अब बात तो वो होगी कि अब हमने अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो हमें जरूरी थोड़ी कि हमने 1 लाख का और करना है, अगर उसमें से 20 हजार हमें देने भी पड़ गए वापिस, कौन सी बड़ी बात है? आप ओवरऑल में तो प्रॉफिट में हो ना, तो इसीलिए स्टॉप लॉस लेना भी बहुत जरूरी है। ये बात आप लोगों को भी बताई थी, इसीलिए आज एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी गई है जहाँ पर हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि कोई भी ट्रस्ट, किसी भी टाइप की हम ट्रेडिंग करते हैं, वो शॉर्ट टर्म की हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या जैसी भी हो, वहाँ पर हमारा एसएल टारगेट और टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम लॉस से कम बच सकें, तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको लिंक यहाँ पर डल जाएगा। और इसी के साथ अब अपने स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट कीजिए। अब सीन क्या होता है कि इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि चलो हमने कोई मीडियम टर्म के लिए स्टॉक उठाया है, हमारा उसमें 8% का एसएल था, लेकिन वो 3% पर ही अपनी स्पोर्ट तोड़ चुका है, उसने अपना स्पोर्ट तोड़ दिया, चार्ट्स वीक हो चुके हैं, तो क्या हम उस 3% का 8% तक वेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो अपनी स्पोर्ट ही तोड़ चुका है, चार्ट ही वीक हो चुका है, तो फिर हम उसका 8% तक वेट ही क्यों करेंगे? वहां पर हमें एसएल पहले ही लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एसएल अगर हो रहा है तो जरूर लीजिए, और अब दोबारा से मार्केट में क्वांटिटीज को कंट्रोल करने का समय आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा क्वांटिटीज को कंट्रोल करते हुए, टारगेट भी छोटे रखते हुए और एसएल और भी छोटे रखते हुए काम कीजिए। इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, अब रेंज बाउंड मार्केट भी होती है, मार्केट न्यूट्रल में है, आप बाइंग तब करें जब बिल्कुल स्पोर्ट पर आ जाए, स्पोर्ट पे बाइंग, रेजिस्टेंस पे सेल, काम खत्म। अरे हमें जरूरत ही नहीं है कि हमें पूरी की पूरी रैली यूज करनी है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक, अरे नीचे से ऊपर के अगर 100 100 200 200 पॉइंट छूट भी जाएंगे, बीच के तो आपको 300 400 पॉइंट मिल गए ना, तो बस आप उसे इंजॉय कीजिए। हम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हमेशा सबसे बिल्कुल लो पे खरीद के सबसे ऊपर हाई पर बेच दोगे। इसलिए अब जब महाटांडव का ट्रेलर हुआ, कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, थोड़ा बहुत हिम्मत रखो, और मार्केट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत ज्यादा मिलेंगी। अगर आपको आज के निफ्टी के दिन से कुछ सीखने को मिला है ना, और आपने अगर अपने एसएल लिए हैं, या फिर आपने देखा कि एटलीस्ट कोई स्टॉक प्रॉफिट में था, वो लॉस में जाने से पहले हमने उसे एग्जिट कर दिया, तो वो आपके इमोशंस और पेशेंस की रिस्पेक्ट करेगा और आपको बड़े बड़े लॉसों से बचाएगा, और आप मार्केट में लंबे समय के लिए टिके रहेंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत ध्यान से भी काम करना पड़ता है, कभी कभी हमें एसएल भी लेने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।